नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। मेरे साथ सूरज बौद्ध हैं जो लगातार बहुजन आंदोलन के एक जाने माने चेहरा हैं। संविधान दिवस पर आज जंतर मंतर पर हैं। सूरज, क्या कहेंगे संविधान दिवस पर पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले आपको शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ उठाते हैं। और देखिए, संविधान दिवस हम सब के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब कहते थे संविधान नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। हजारों साल की जुल्म ज्यादती के खिलाफ और मनुस्मृति को खत्म करके एक हमारे सामने जो कानून बना, हमें जो विधान मिला उसको संविधान कहा, जो हमको आज़ादी देता है बोलने का, पढ़ने का, लिखने का। तो संविधान दिवस की आपको भी और आपके चैनल को भी और समस्त देशवासियों को सबसे पहले बहुत बधाई। आज संविधान दिवस पे हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं इस बात के लिए कि संविधान को सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से तभी लागू किया जाएगा जब लोकतंत्र को बचाया जाएगा। तो EVM के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके विरोध में हम सब आज यहाँ जंतर मंतर पे हैं और इस बात के लिए हैं कि EVM को हटाया जाए और लोकतंत्र को बहाल किया जाए। क्या लग रहा है EVM अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है घटनाक्रम, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सत्ता का गठजोड़ है, सत्ता की लड़ाई है। मैं बार बार कहता हूँ, ब्राह्मणवादी लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक चले जा सकते हैं और इस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वही कर रहे हैं। जो बिहार में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, आज वही महाराष्ट्र में हो रहा है। खरीद फरोख्त इसलिए हो रहा है क्योंकि विजय माल्या, ललित मोदी और मेहुल चौकसी और जो तमाम ही लोग पैसा मिला है विदेश में। आपके समाज से राष्ट्रपति बने हुए, वो तो चुप्पी साध रहे हैं। आपके 131 सांसद ST के जीते हैं चुनाव जीत के, वो तो कुछ बोल नहीं। तो सब लाल तो आपके समाज में है। देखिए, बाबा साहब कहते थे व्यक्तियों से नहीं विचारों से मिलकर समाज बनता है। तो जो व्यक्ति विचारधारा के साथ हमारे साथ नहीं खड़ा है, हम उनको समाज कैसे मानेंगे? नहीं तो किस पर भरोसा करें? लोग सब नेता बनने से पहले यही बात कहता है, नेता बनते ही सब अपना अपना घर समेट लेता है। देखिए, जब नेता बनने के बाद लोग अपना घर समाट लेते हैं तो नेता से ही सवाल बनेगा। लेकिन हम जैसे आम आवाम जो नेता नहीं है लेकिन बहुजनों की आवाज़ को उठाते हैं, हम आम आवाम को रिप्रेजेंट। कल आप नेता बनिएगा तो क्या गारंटी है कि आप घर नहीं समेट लीजिएगा? मैं गारंटी यही दे सकता हूँ, उसके पहले भी जब नेशनल दस्ते की है, जो हमारा वीडियो लगाया था जब मैं शासन का चुनाव लड़ा हुआ था, मैंने उसमें बोला था सूरज बौद्ध मर जाएगा, भाजपा कांग्रेस कम्युनिस्ट में कभी नहीं जाएगा। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ सूरज बौद्ध मर जाएगा, भाजपा कांग्रेस कम्युनिस्ट में कभी नहीं जाएगा। लेकिन आपके नेता डरे हुए हैं तो क्या नए लीडरशिप की तरफ बढ़ने की जरूरत है? वो कैसे संभव होगा? अब नया लीडरशिप ये समाज के ऊपर तय करता है कि नया लीडरशिप समाज एक्सेप्ट करने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं समाज के लिए लड़ा हूँ, अपने हद तक समाज के लिए लड़ूंगा। रही बात नेता डरे हुए हैं, मैं आपकी बात से एकदम इत्तफाक हूँ क्योंकि आप ये सवाल नहीं कर रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं और आपके दर्द के साथ मैं अपने आप को साझीदार पाता हूँ। सूरज, क्या लग रहा है बहुजन युवाओं को क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगातार से? देखिए, बहुजन युवाओं लगता होगा। देखिए, अभी आपके सामने ही मैं यहाँ थोड़ी देर पहले RSS का बंदा धमकी देने आया था, इसी इतने लोगों की भीड़ में। तो मैं बहुजन युवाओं को सिर्फ इतना संदेश देना चाहूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के, फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के मिशन को मत चलाओ। इससे माहौल बनाया जाता है, इससे मुहिम को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन ये मिशन को तय नहीं करता है। आप सभी से गुजारिश है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैल्यूम्स को पढ़िए। अंबेडकर फाउंडेशन जो बाबा साहब की वैल्यूम को छापना बंद कर दिया था, इसमें दोबारा छापा हुआ है। 6 दिसंबर को इसे जंतर मंतर में मिलेगा भी, उसको खरीदिए। नहीं मिल पाता है तो नेट से बाबा साहब की वैल्यूम्स डाउनलोड कीजिए और संविधान को पढ़िए। जिस दिन आप संविधान को पढ़ेंगे उस दिन आपके अंदर खुद ही चेतना आएगी लड़ने का, पढ़ने का और मुंह तोड़ जवाब देने का और सीने से टकराने का। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम तानाशाही कानून है और जो पुलिसिया हुकूमत ठाए ठाए बमबारी के, जो लुच्चे लफंगों की हुकूमत है, उसके खिलाफ आप लड़ पाएंगे। तो ये सूरज बौद्ध हैं। सूरज, क्या लग रहा है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट अपने से सरकार नहीं बना सकता, मुसलमान अपने से सरकार बना कभी नहीं बना सकता, OBC की संख्या बहुत ज्यादा अपने से सरकार बना सकती है, ऐसे में क्या करने की जरूरत है? क्या शेड्यूल कास्ट की पार्टियों को OBC के साथ गठबंधन में जाना चाहिए या शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप को नए तरीके से? BSP के बारे में क्या प्रतिक्रिया? देखिए, BSP जो शेड्यूल कास्ट का नहीं है, वो बहुजन का है, ST OBC माइनॉरिटी का है। रही बात की OBC बहुजन है वो सरकार बना सकता है, तो मेरा अपना मानना है कि अगर आपके पास विचारधारा नहीं रहेगी तो आप सरकार नहीं बना सकोगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत थी, मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी किया था गठबंधन के प्रचार के लिए, गठबंधन के बाद इस्तीफा दिया। एक प्रतिबद्ध एकता को नरेंद्र मोदी आते हैं और माइक पकड़ के कह दिए कि बसपा जाटों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, पूरा समाज टूट गया। इसका मतलब अगर हम जाति के आधार पर इकट्ठा होंगे तो हम टूट जाएंगे। इसलिए ST OBC एकता को जोर देना होगा विचारधारा के साथ। अगर हम विचारधारा को बेच के एकता स्थापित करेंगे तो जाहिर तौर पर वही होगा जो कुछ लोग मंदिर में आरक्षण मांग रहे हैं। तो विचारधारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विचारधारा को तवज्जो देकर के हम लोग एकता बनाए। बहुजन भी अभी संविधान को नहीं मान रहे हैं, खासकर OBC का बड़ा तबका जी। तो इसके पहले सवाल यह है कि हमने संविधान को जागरूकता के लिए कितना कार्यक्रम चलाया है? सबसे पहला सवाल हमारा खुद पे आता है। मैं आपके सामने ये अपने आप की हार महसूस करता हूँ,
कि हम अपनी ताकत, अपनी औकात, अपनी क्षमता से ज्यादा लड़ रहे हैं, बावजूद इसके 90 करोड़ की आबादी और हर घर तक संविधान पहुंचाना, बात पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। आरएसएस की शाखाएं चलना शुरू हो जाती हैं 4 बजे और हम लोग अभी उस चीज को नहीं कर पा रहे। ये हमारी हार है, सूरज बहुत है और मुझे लगता है कि बहुजन समाज को ऐसे युवाओं की बहुत जरूरत है। इनका साथ दीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सम्मुख कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।